हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल टू रास्ता। आज है रसोई गैस में जानकारी के साथ। आपने थंबनेल में देखा होगा, जी हाँ, मात्र 500 रुपये में आपको जो है एलपीजी रिफिल आप घर से करवा पाएंगे। तो ये किस राज्य के लिए है, साथ ही साथ कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे और किन लोगों को ये लाभ मिलेगा, लाभ कैसे मिलेगा, क्या हमें 500 रुपये दे के ही रिफिल कराने हैं या पूरा पेमेंट देना है, बाद में वो जो पैसा हमें मिलेगा, सारा क्लियर, बहुत सारे सवाल हैं जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं बड़े ही कम समय, यानी 3 से 4 मिनट में। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बता दें कि ये जिस राज्य के लिए लागू हुआ है, मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है, राजस्थान के लिए लागू है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने साफ कह दिया है कि आप मात्र 500 रुपये में आप जो है एलपीजी सिलेंडर रिफिल करा पाएंगे। और ये उनके लिए है जो कि फ्री वाला, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं, गरीब तबके के लोग हैं और ये रिफिल कराने में सक्षम नहीं है, चूंकि गैस का रिफिल प्राइस इतना बढ़ा हुआ है कि रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सुविधा निकाली गई है ताकि जो है रिफिल वो लोग करवा पाए, गैस का उपयोग कर पाए। सिर्फ कनेक्शन लेके घर में रखे हुए हैं तो उससे तो कोई लाभ है नहीं, उसको रिफिल भी कराएं, उसका उपयोग भी करें। अब रही बात कि क्या उनको 500 रुपये देने होंगे, 500 रुपये में ही रिफिल हो जाएगी या पूरा पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहाँ पे आपको फुल पेमेंट करना है। जैसे जो अभी का रेट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 1200 रुपये, तो आपको 1200 रुपये पेमेंट वहाँ पे करते कर देने हो, करके ही रिफिल लेने हैं। बाद में जो आपके अकाउंट में अगर सब्सिडी जैसे आता है, उसी तरह से बाकी का बचा 700 रुपया आ जाएगा। इसके लिए करना कहा होगा, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कहीं कुछ नहीं करना है। अगर आपने अभी भी एनपीसीआई लिंक नहीं कराया हुआ है, अपने बैंक अकाउंट में आधार से लिंक नहीं कराया हुआ है, तो जा करके आपको करा लेना है, चूंकि यह बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सब्सिडी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका कि सब्सिडी नहीं आ रहा है, तो डीबीटी से जा करके जो है आधार जो है एनपीसीआई लिंक करवा लेंगे, तो आपका जो है पैसा वहां पे 700 रुपये आ जाएगा। अब ये कब आएगा, ये आपको एलपीजी रिफिल लेने के 6 से 7 दिन यानी हफ्ते दिन के अंदर आपका ये जो है प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसके बाद आपको पैसा आ जाता है। यानी आपने समझ लिया पूरा पेमेंट दे के लेना है, सब्सिडी के रूप में आपको पैसा आ जाएगा 700 रुपये। तो इस हिसाब से 500 रुपये ही आपका रिफिल प्राइस हुआ। अब ये क्यों किया गया है, तो इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से लोग जो है रिफिल नहीं करा रहे थे, जिसके कारण रिफिल रेट जो है बिल्कुल डाउन हो गया है, जो कि आपको पीएम यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं, तो ये जो है अब आगे जाएगा, उन लोग भी रिफिल करा पाएंगे बड़े आसान, चूँकि रेट इसका जो है कम हुआ है। और भी राज्यों में इस तरह का होना चाहिए, तो आपका इसके लेकर के क्या सुझाव है, क्या और भी राज्य में इस तरह से स्कीम जो है राज्य सरकार के द्वारा निकालना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे और मैंने पूरा डिटेल इसमें बताने का प्रयास किया। और खासकर मैं भी बता रहा हूँ कि जनरल कनेक्शन जिन्होंने लिया हुआ पैसा देकर के, उनके लिए स्कीम नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये उज्ज्वला कनेक्शन फ्री वालों के लिए ही ये लाभ जो है दिया गया है। फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि चलिए उन लोगों को तो जो है कम पैसे में रिफिल मिल पाएगी। और ये और भी जगह में इस तरह की स्कीम चालू किया जाए, इसके रिकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना सुझाव कमेंट सेशन में कमेंट देंगे। तो चलिए, आज का ये जानकारी यही था, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा 500 रुपये वाले रिफिल प्राइस के बारे में। और भी कोई अगर कमी रह गई जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। और इसमें जो है कहीं कोई फॉर्म वगैरह वैसा कुछ फिलअप नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जैसे गैस लेते थे वैसे ही आपको रिफिल डिलीवरी लेना है बुकिंग करके। तो चलिए, फिर मिलेंगे नए फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यहीं तक, हमारे चैनल पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर घर में रसोई गैस है तो ये वीडियो जो है आपके काम का है, चैनल आपके काम का है। चलिए, फिर मिलेंगे नए फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यहीं तक, बाय बाय एंड टेक केयर।